हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टॉपर बेंस आज फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का हम लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी हो गया मिस किया है आपने तो कोई बात नहीं आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ कोई न्यू चैप्टर अगर ऐड हुआ होगा इस बुक में तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए या फिर आप मुझे सिंपली कमेंट कीजिए फिर मैं आपसे वो पी मुझे आप ई कर दीजिएगा मैं आपको वो चैप्टर्स भी न्यू चैप्टर्स भी पढ़ा दूंगा जिस तरह से ये चैप्टर न्यू ऐड हुआ है उसी तरह से मैं कोई भी न्यू एडेड जो चैप्टर्स है उसको करवाऊंगा तो चलिए हम लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में मैं थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर भी आपको देने वाला हूँ तो चलिए चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक like कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं वाट आर थ्री प्रिंटर्स एंड वट इज़ देयर यूनिक फीचर 3D डी प्रिंटर्स आर ए न्यू जनरेशन ऑफ मशीन्स देट मेक एवरीडे थिंग्स थ्री डी प्रिंटर्स क्या है न्यू जनरेशन के मशीन्स हैं जो एवरीडे थिंग्स को डेली यूज़ के थिंग्स को बनाते हैं दे आर यूनिक फ़ीचर लाइज इन अभी सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है एंड वाट इज़ देअर यूनिक फीचर यूनिक फीचर क्या है दे आर यूनिक फीचर लाइज इन द फैक्ट दैट दे ये वाला दे है दैट दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट दैट दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट मटेरियल्स ऑल फ्राम द सेम मशीन तो इनका यूनिक फीचर यही है कि ये डिफरेंट काइंडस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में बना सकते हैं और सेम मशीन से बना सकते हैं ओके क्वेश्चन नंबर टू है एक्सप्लेन द थ्री डी प्रिंटिंग प्रोसेस थ्री थ्री डी प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है द आइडिया बिहाइंड थ्री डी प्रिंटिंग प्रोसेस इज़ टू टर्न अ होल ऑब्जेक्ट इन टू थाउजेंड्स ऑफ टाइनी लिटिल स्लाइसेस तो आइडिया क्या है थ्री डी प्रिंटिंग प्रोसेस में कि होल ऑब्जेक्ट को हजारों एकदम छोटे सूक्ष्म छोटे टाइनी लिटिल स्लाइसेज में बदल देना है और फिर देन बिल्ड द ऑब्जेक्ट और फिर से उस ऑब्जेक्ट को बना देना है फिर से ऑब्जेक्ट बना लेना है फ्रॉम द बॉटम अप स्लाइस बाय स्लाइस एकदम नीचे लेवल से फिर से हम उस ऑब्जेक्ट को बना पाएंगे एक एक स्लाइस करके दोज टाइनी लेयर्स स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड ऑब्जेक्ट और उन टाइनी लेयर्स को लेयर जो है वो स्टिक हो जाता है एक दूसरे के साथ चिपक जाता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए व्हाट डज़ द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है आईओटी द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस दैट कलेक्ट सेंड एंड एक्ट ऑन डेटा दे एक्वायर फ्रॉम देअर सराउंडिंग इन्वायमेंट्स यूजिंग एम्बेडेड सेंसर्स प्रोसेसर्स एंड कम्युनिकेशन हार्डवेयर्स, ओके तो इंटरनेट ऑफ तो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कुछ कुछ कनेक्टेड डिवाइसेज का ग्रुप है ठीक है ये डिवाइसेज़ है मान लो चार डिवाइसेज है तो ये चारों डिवाइसेज क्या है आपस में कनेक्टेड है ये कनेक्टेड डिवाइसेज का ग्रुप है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये करता क्या है ये क्या करता है ये अपने इन्वामेंट से अपने इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है ठीक है उसके ऊपर एक्ट करता है उसको फिर सेंड करता है और इन्वायरमेंट से ये कैसे डेटा को लेता है उसके अंदर जो एम्बेडेड सेंसर्स है प्रोसेसर्स है कम्युनिकेशन हार्डवेयर है इसके ज़रिए ये अपने इन्वायरमेंट से डेटाज़ को लेता है और इसके ऊपर इस डेटा के ऊपर में काम करता है और फिर दूसरे को सेंड भी करता है ठीक है ये कुछ नहीं है सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस है जो इन्वायरमेंट से डेटा को लेता है अपने एम्बेडेड सेंसर्स ये सब को यूज़ करके प्रोसेसर को यूज़ करके और उस उस डेटा लिया गया डेटा के ऊपर वो काम करता है और फिर वो दूसरे को सेंड भी करता है मेंशन टू बेनिफिट्स दैट आई ओ टी विल ब्रिंग टू पीपल द टू बेनिफिट्स दैट आई ओ टी विल ब्रिंग टू पीपल आर एस फॉलोज पीपल कैन मोनिटर यहाँ पे ओ है ठीक है मोनिटर देयर होम्स एंड फैमिलीज रिमोटली टू कीप देम सेफ लोग अगर बाहर कहीं दूर भी बैठे हुए हैं तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अपने घरों को अपने फैमिलीज़ को सेफ़ रख सकते हैं मॉनिटर कर पाएंगे और सेफ़ भी रख पाएंगे ठीक है कोई भी मुश्किल आएगा कोई भी इमरजेंसी आएगा तो जो ये आईओटी जो टेक्नोलॉजी है ये पहले ही इन्फॉर्म कर देगा तो हम कोई डेंजर से बच जाएंगे बिजनेसज़ कैन इम्प्रूव प्रोसेसेस टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस मटेरियल वेस्ट तो बिज़नेस जो है वो क्या कर पाएगा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएगा और मटेरियल वेस्ट को रोक पाएगा और भी सारे पॉइंट्स हैं अगर आप दो से ज़्यादा पॉइंट लिखना चाहेंगे तो बुक से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही पूछा गया था तो मैंने दो ही लिखा है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ वुड यूजिंग ड्राइवर कार्स बी एडवांटेजियस तो बिना ड्राइवर वाला कार कैसे एडवांटेजियस हो सकता है हमने चैप्टर में पढ़ा है अगर आपने मिस किया तो कोई बात नहीं आप प्ले में जा के आप पढ़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा एक्सप्लेनेशन वीडियो का सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर द फ्यूचर ऑफ कम्यूटिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है जिसमें ड्राइवर नहीं होता है ड्राइवर लेस कार जो है ये ट्रिप्स का ये जो जर्नी का जो फ्यूचर यही है है ना फ्यूचर जो है यही होने वाला है बिना ड्राइवर वाला कार आने वाला है ऑटोनस व्हीकल्स ऑटोनोमस व्हीकल्स मतलब वैसे व्हीकल्स जो खुद को खुद ही कंट्रोल करते हैं इनके अंदर ड्राइवर्स नहीं होते हैं ऑटोनोमस वहीकल्स विल हैव द एबिलिटी टू एवॉड पोटेंशियल रोड डिज़ास्टर्स बाय मैपिंग बिजी रूट्स एंड अवॉइडिंग देम। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स जो होता है जो खुद ही खुद को कंट्रोल कर लेगा इनके पास एबिलिटी होता है कि रोड का कोई भी डिज़ास्टर जो होने वाला है रोड में कुछ जो दिक्कत होने वाला है उसको पहले ही यह भाँप लेगा ठीक है पहले ही भाँप लेगा और मैप कर लेगा रूट को सही रूट को उस रूट में वो जाएगा ही नहीं उस बिजी रूट में जाएगा ही नहीं जिस रूट में डिजास्टर होने वाला है वो पता कर लेगा पहले ही और ऐसा पता करके वो अवॉइड कर लेगा वो नए रूट में चला जाएगा दीज कार्स विल नॉट ओनली डी कंजेस्ट रोड्स बट मेक अवर रोड्स अ लॉट सेफर ये जो है रोड को डी कंजेस्ट ट्रैफिक फ्री ही नहीं करेगा बल्कि रोड को बहुत सेफ भी कर देगा दे आर ऑल्सो लाइकली टू बी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज दे विल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होने वाला है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा एंड वोंट यूज़ हार्मफुल कार्बन बेस्ड फ्यूल्स और कार्बन बेस्ड फ्यूल्स को नहीं यूज़ करने वाला जैसे डीजल पेट्रोल ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट पे मैंने लिख दिया है कि कार्बन बेस्ड फ्यूल कौन कौन है कोल हो गया वुड हो गया डीजल हो गया पेट्रोल हो गया केरोसिन नेचुरल गैस ये सब फ्यूल नहीं यूज़ करने वाला है तभी तो पॉल्यूशन होगा ही नहीं ए टू का वन यहाँ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है दे हैव द पोटेंशियल टू रिप्लेस ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज़ विद अ सिंगल मशीन तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ दे बीइंग रेफर्ड इन द अबव लाइन दे रेफर टू थ्री प्रिंटर्स व्हाट प्रोडक्ट्स कैन दे मेक करेंटली अभी वो लोग कौन सा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं थ्री प्रिंटर्स जो है वो कौन सा प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं थ्री प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस रिलेटिवली सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक सेरामिक कप्स प्लास्टिक टॉयज और मशीन पार्ट्स अभी ये सब चीज़ बनाया जा रहा है थ्री प्रिंटर्स के जरिए सेरामिक कप्स प्लास्टिक टॉयज और मशीन पार्ट्स नंबर सी हाउ डू दे दे का मतलब यहाँ पे क्या है थ्री डी प्रिंटर्स हाउ डू थ्री डी प्रिंटर्स हैव द पोटेंशियल टू रिप्लेस ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज पुराने टाइप के जो फैक्ट्रीज है उसको कैसे रिप्लेस कर पाएंगे ऐसा क्षमता कैसे है इसमें थ्री डी प्रिंटर्स में द यूनिकनेस यहाँ पे यूनिकनेस है द यूनिकनेस ऑफ थ्री डी प्रिंटर द यूनिकनेस ऑफ थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट मटेरियल्स ऑल फ्रॉम द सेम मशीन तो थ्री प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी है थ्री प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है इसका खासियत ही है कि ये क्या कर सकता है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है डिफरेंट मटेरियल में प्रोड्यूस कर सकता है और सेम मशीन से प्रोड्यूस कर सकता है राइट नाउ थ्री प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस रिलेटिवली सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक सेरामिक कप्स प्लास्टिक टॉयज और मशीन पार्ट्स बट इन द फ्यूचर दीज मशीन्स विल बी केपेबल ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स टू अभी फ़िलहाल तो सैरामिक कप्स हो गया प्लास्टिक टॉयज़ हो गया मशीन पार्ट्स ये सब थ्री प्रिंटर्स से बनाया जा रहा है लेकिन नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये जो मशीन है ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी बनाने के काबिल हैं बना पाएंगे दे हैव द पोटेंशियल टू रिप्लेस ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज़ विद अ सिंगल मशीन और इनके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं जिससे पुराने टाइप के जो फैक्ट्रीज़ है ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज़ है उनको भी रिप्लेस किया जा पाएगा एक सिंगल मशीन के द्वारा इसके बाद नंबर टू दीज डिवाइसेज कैन देन एक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम वन एंड अदर वट डिवाइसेज आर बींग रेफर्ड टू इन द अब लाइन यहाँ पे कौन से डिवाइसेज का बात किया गया है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया जिनको स्मार्ट डिवाइसेज भी बोला जाता है फिर वॉट डू दीज डिवाइसेज डू ये डिवाइसेज करता क्या है दीज डिवाइसेज ऑफ एन नोन एज स्मार्ट डिवाइसेज कैन टॉक टू अदर रिलेटेड devices and can act can can then act on the information they get from one another. ये जो devices है इनको oftenly प्राय इनको प्राय इनको smart devices भी बोला जाता है और ये जो है आपस में रिलेटेड डिवाइसेज होते हैं और आपस में ये सब कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं कैन टॉक टू अदर रिलेटेड डिवाइसेज और इंफॉर्मेशन जो मिलता है उनके ऊपर एक्ट भी करते हैं काम भी करते हैं है ना Explain एम टू एम कम्युनिकेशन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज दैट कलेक्ट सेंड एंड एक्ट ऑन डेटा दे एक्वायर फ्राम सराउंडिंग इन्वामेंट्स यूजिंग एम एडेड सेंसर्स प्रोसेसर एंड कम्युनिकेशन मैंने एक बार पहले भी बताया फिर से समझा देता हूँ ग्रुप ऑफ़ कनेक्टेड डिवाइसेज का सेट एक बना लो ठीक है एक ग्रुप ऑफ ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये अंदर में जो है ये डिवाइसेज़ है ठीक है पाँच डिवाइसेज़ है मान लो उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है छः डिवाइसेज़ मान लो सात आठ तो ये सारे डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है इनके अंदर में एम्बेडेड सेंसर प्रोसेसर कम्युनिकेशन डिवाइसेज है तो उन डिवाइसेस के जरिए में उन पार्ट्स के ज़रिए ये अपने सराउंडिंग से अपने सराउंडिंग से डेटाज़ को कलेक्ट करता है उसके ऊपर वो एक्ट करता है काम करता है और फिर वो दूसरे को सेंड भी कर देता है ठीक है तो यही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है ये कनेक्टेड डिवाइसेज है जो कलेक्ट करता है सेंड करता है और एक्ट करता है डेटा के ऊपर जो वो डेटा वो लाता कहाँ से एक्वायर फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स कैसे लाता है एम्बेडेड सेंसर्स के द्वारा प्रोसेसर्स के द्वारा कम्युनिकेशन हार्डवेयर के द्वारा दिस डिवाइसेज ऑफ एन नोन एज स्मार्ट डिवाइसेज और इन डिवाइसेज को स्मार्ट डिवाइसेज भी बोला जाता है जो आपस में बातें भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है एम टू एम कम्युनिकेशन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन दिस डिवाइसेज कैन देन एक्ट ऑन द इन्फॉर्मेशन गेट फ्रॉम वन अनदर और ये डिवाइसेज जो है एक दूसरे से पाया हुआ जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्ट भी करते हैं थिंक एंड आंसर थिंक एंड आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं लिखवा तो दे रहा हूँ लेकिन इसको आपको खुद ही लिखना चाहिए मैं बस लिखवा रहा हूँ इससे आप आइडिया लीजिए हुबहू कापी मत कीजिए जरूरी नहीं है कि मेरा वाला सही होगा ठीक है ये आपको पूछा गया इफ़ यू देख रहे हो ये आपसे पूछा गया आपका क्या फीलिंग है आपका क्या इसमें ओपिनियन है वो देना है ऐसे क्वेश्चन में थिंक एंड आंसर और वैल्यूट में इसीलिए कोई टीचर्स मतलब कोई भी टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि खुद ही आप लिखो लेकिन मैं स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ उनको लिखने में थोड़ा सा आइडियाज़ चाहिए होंगे तो उसी आइडियाज़ को देने के लिए मैंने यहाँ पे एक आंसर तैयार किया है जिससे आप आइडियाज़ लीजिए और खुद ही अपना आंसर को तैयार कीजिए ठीक है आप इसको लिख भी सकते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ आप भी ऐड कीजिए अपना इफ़ यू कुड चूज़ एनी वन ऑफ द थ्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइस मैंशन इन द टेक्सट विच वन वुड यू चूज़ एंड वाई अभी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर तीन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज के बारे में बात हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स थ्री डी प्रिंटिंग और ड्राइवर लिस्कार्स तो इन तीनों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में से आपको कौन सा पसंद आया आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे तो ये आपका चॉइस है ठीक है आपको लिखना है तो मेरा चॉइस जो है वो मैंने लिख दिया है आप चाहें तो इससे हिंट ले सकते हैं इसी चॉइस को फॉलो कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा खुद भी आप ऐड कीजिए ओके okay. ताकि आपका जो लिखने का जो स्किल्स है वो डेवलप हो पाए द थ्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइसिसज मैंशन इन द टेक्सट आर थ्री डी प्रिंटर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ड्राइवरलेस कार्स अमोंग दीज आई वुड चूज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को चूज़ करने वाला हूँ विच इज़ अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज दैट कलेक्ट सेंड एंड एक्ट ऑन डेटा दे एक्वायर तो ये इसके बारे में मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी दीज आर स्मार्ट डिवाइसेज इनको स्मार्ट डिवाइसेज भी बोलते हैं हैविंग द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज़ फॉर अ लेवल ऑफ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दैट ह्यूमस हैव नेवर हैड बिफोर तो टेक्नोलॉजिकल जो ये एडवांसमेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन ह्यूमन बींग को दे देता है जो ह्यूमन बींग्स पहले प्राप्त नहीं कर पाता था अभी क्या होने वाला है तुरंत वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस टेक्नोलॉजी के जरिए पीपल कैन मोनिटर देयर होम्स एंड फैमिलीज़ रिमोटली टू कीप देम सेफ़ लोग कहीं भी दूर बैठे हुए रहेंगे तो भी अपने घरों को वो सुरक्षित रख पाएंगे इस टेक्नोलॉजी के जरिए क्योंकि वो कैमरा से देख पाएंगे और कैमरा से देख पाएंगे और उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा आईओटी के जरिए कि कोई दिक्कत या कोई समस्या आने वाला है कोई जो डिज़ास्टर है वो आने वाला है तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दूर बैठे ही हम लोग उस चीज़ को जान जाएंगे और कंट्रोल भी कर पाएंगे और उस चीज़ से बच पाएंगे सॉरी बिजनेसेस कैन इम्प्रूव प्रोसेसेस टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी बिजनेस भी हम लोग इससे इंप्रूव कर पाएंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे ऐसे टेक्नोलॉजी से सेंसर्स कैन हेल्प रिड्यूस रोड कंजेशन रोड में जो जाम लग जाता है ट्रैफिक जाम हो जाता है उससे हम लोगों को बचने में मदद मिल जाएगा ऐसे सेंसर्स के जरिए ठीक है और ऐसे सेंसर्स हम लोगों को वार्न भी कर देगा वार्नर्स वेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन डेंजर ऑफ क्रम्बलिंग तो जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग गिरने वाला होगा टूटने वाला होगा है ना ज़मीन में जमीन दोज होने वाला रहेगा तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहले ही मिल जाएगा और ऐसे डेंजर को हम लोग पहले ही जान जाएंगे और ऐसे डेंजर से हम लोग बच पाएंगे गैजेट्स कैन वार्नस ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर्स और जो भी कुछ डिज़ास्टर्स आने वाले रहेंगे जैसे फ्लड हो गया जैसे वोल्कैनो हो गया वोल्कैनो इरप्शंस जैसे अर्थक्वेक्स हो गए है ना तो ये सारे डिज़ास्टर्स जो हैं ये कभी आने वाले रहेंगे आंधी तूफान तो हम लोगों को पहले ही मतलब क्विक टाइम में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे है ना और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे अब हम लोग वैल्यट आंसर को देख पाए देखेंगे ठीक है तो इस ये जो है इसमें आप कोई भी तीनों यूज़ चूज़ कर सकते हैं कोई भी तीनों टेक्नोलॉजी को जैसे थ्री प्रिंटिंग भी आप लिख सकते हैं बस आपको बताना कि थ्री प्रिंटिंग आप क्यों चूज़ कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार को भी लिख सकते हैं लेकिन बताना होगा है ना कि क्यों यूज़ कर रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया इसके बारे में आई के बारे में विथ टेक्नोलॉजीकल एडवांसमेंट पीपल विल डिपेंड मोर ऑन मशीन्स दैन ऑन ईच अदर टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जाएगा लोग जो है वो खुद के बजाय वो मशीन्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने लगेंगे लोगों पर डिपेंडेंसी छोड़ देंगे मशीन पर डिपेंडेंसी बढ़ा देंगे चूज अ साइड एंड कमेंट ये आंसर भी मैं हिंट के लिए लिखवा रहा हूँ आपको खुद ही लिखना चाहिए ठीक है आप हिंट लीजिए मेरे आंसर से और खुद ही थोड़ा सा इसमें बढ़ा करके एलाबोरेट करके आप थोड़ा और लिखिए क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसपे आप जितना बढ़ाएंगे उतना लिख पाएंगे तो जितना मार्क्स का आएगा उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं हिंट आप ले लीजिए इससे विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पीपल बिकेम मोर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के होते ही लोग जो है वो मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं पूरा पूरी टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस रेफर्स टू द रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस पर्पजेज अलग अलग काम को पूरा करने के लिए लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं रिलाई हो चुके हैं द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एक्सपीरियंस्ड द पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स एक्सपेरियंस्ड आर एक्सटेंडेड लाइफ स्पेन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टाइम सेविंग है ना तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का लाइफ लाइफ इस्पेन बढ़ जा रहा है प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रहा है हम लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाता है हमारा टाइम सेव होता है नाव वेट इज़ वी कैन नॉट थिंक ऑफ़ एनी थिंग विदाउट आवर गैजेट्स एंड डिवाइसेज़ हम लोग अपने गैजेट्स और डिवाइसेज के बिना लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं वी आर बिकमिंग लेजी एंड मैनी हेल्थ डिजॉर्डर्स आर कमिंग हम लोग लेज़ी होते जा रहे हैं जिसके वजह से हमको बहुत हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं तबियत भी खराब हो रहा है हेल्थ अच्छा नहीं रह रहा है वी आर हैविंग लो कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हम लोग लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो एकदम कम कर चुके हैं लेस पर्सनल टाइम एंड द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन और हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो भी लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है और मिस इंफॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो भी स्प्रेड होता है ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने पे हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट अस फिज़िकली मेंटली एंड इमोशनली इफ़ वी आर नॉट केयरफुल अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं केयरफुल नहीं रखते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है हमें फिज़िकली मेंटली और इमोशनली परेशान कर देगा हम लोगों को नुकसान पहुंचा देगा वी शुड यूज़ इट इन अ लिमिटेड वे एंड शुड बी केयरफुल ऑलवेज़ हम लोगों को इसको लिमिटेड वे में ही यूज़ करना चाहिए काम के लिए काम भर के लिए ही यूज़ करना चाहिए और हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई नया चैप्टर ऐड हुआ है तो जरूर इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे